तो फिर मैं बता शुरू पे कि डाइट क्लीन खाओ, डाइट डाइट क्लीन लो, फैट वाली चीज़ें नहीं लो, ऑयली चीज़ें नहीं लो, और प्रैक्टिस करो, स्ट्रेचिंग करो, और प्रॉपरली कोच के पास रह जाए और नशा ना करे, तभी वो फिट रह सकता है। जी जी मतलब जो योगा है, योग जो योग करते, योग वो है ओल्ड बंदे का काम। जी मतलब क्योंकि उन्हें क्या कि उन्हें कैमरे के पास क्या बोलते हैं, उसने बैठा रहना, मतलब बैठ बुने करी जाना, वो बुढ़े बंदा है। अगर बोलेंगे भी मतलब क्या बोलते हैं, कपाल भाती करके, क्या बोलते हैं मेरे को, कपाल मेरे भाती कपाल भाती, अगर उस करके ओलंपिया पे गोल्ड आते, अगर उस करके ग्रेट खाली बने जाते, फिर तो लोगों ने ये करना था, बैठ पे बैठो और ऐसे ऐसे करो, चटाई भी से आगे। तो उसके लिए प्रॉपरली जिम होना चाहिए, जिम और ग्राउंड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगा बेकार है, योग बेकार नहीं है, ठीक है, पर लेकिन वो बूढ़े बंदे के लिए, मतलब तो यंग बीमारी जो बंदे, जो बीमार बंदे उनके लिए, जो यंग बंदे है उनके लिए नहीं। तो वो किस वो तरह लेजी बंदे है है जी कुछ, जी देखो फायदा तो, ये फायदा तो मतलब ना, आप कुछ नहीं, आप ठीक है ना, आप है ना, है जी आप हर रोज करेंगे ऐसे, बेटर देन नथिंग, जिसको बोलते हैं बेटर देन नथिंग, जी ठीक है। हमारे क्या जो हिंदुस्तान पे क्या जो लाले लोग, कोई भी मतलब वो कुछ नहीं करते, वो बोलते हम तो बात करते जी आप उस पे, मैं बता कि वो बूढ़े बंदे का काम है। हमारे क्या कि मतलब अगर बोलिए ना कि आप जिम जाते हैं, तो बोलते हैं नहीं यार, ये तो हम तो बूढ़े हो गए, ये तो बच्चों का काम है, वो करना नहीं चाहते, वो लेजी लोग है, ठीक है। तो वो क्या कि अपने स्टेटस के बढ़ाने के लिए कहाँ जा रहे जी, मतलब हम तो योगा करते जी, वो कुछ नहीं करते हो, वो बातें मार के, ठीक है, और घर आते हैं, मतलब वो, और कोई बोलता कि नहीं तो मैं तो योगा घर पे ही करता है, वो कुछ नहीं करता, मतलब उसको बाहर भी नहीं जाता हो, वो घर पे मतलब ना चटाई पे बैठ के ऐसे ऐसे करके, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ना, मतलब फर्क है, मतलब जिस बंदे ने कुछ नहीं करना, कुछ ना कुछ यू नो बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ ना कुछ आप हिलेंगे, एक होता है दौड़ लगानी, एक होता है वॉक करना, तो वॉक करके ना, वॉक करेंगे तो फायदा तो होगा ही। अगर बोलेंगे कि आपकी मेडल लाना है योगा करके, योग करके, तो मेरे को नहीं लगता कि मेडल ला पाएंगे। अगर बोलेंगे कि योग करके ग्रेट खाली बनना है, नहीं बन पाएंगे, मतलब ठीक है। तो ये बंदा मतलब ये चीज है जो, तो क्या बताऊँ, बूढ़े लोग ना एक्चुअली ना हमारे हिंदुस्तान पे गिनती ज्यादा है, औरतें का काम नहीं करती, मतलब जिसके जो घर से मतलब जो रिच है, मतलब जिसके घर पे मतलब थोड़ी आमदनी है पैसे की, वो एक नौकरानी रखती थी। अब नौकरानी को बोलो ये अब जो जो करती है, वो कभी नहीं करती, ज्यादा फिट होती उससे, मानते इस चीज को, मतलब जो मालकिन होगी उसका इतना पेट होगा, जो नौकरानी होगी बिल्कुल स्लिम होगी, मतलब वो काम करती हो, वो मालकिन बोलेंगे मैं तो जो करती हूँ, वो कुछ नहीं करते, वो बकवास करते, मतलब है ना, ठीक है, सो बेकार की बात है, ठीक है। योग अपनी जगह है, और ये जो स्पोर्ट्स, उसके लिए प्रॉपर जिम चाहिए, और उसको प्रॉपरली ग्राउंड चाहिए, तभी वो ओलंपिया पे और किसी भी फील्ड पे मेडल ला सकते हो। तो कली जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि आप भी लगभग 44 साल के हो चुके हैं, क्या आप भविष्य में योग करेंगे कभी? हाँ जब बुढ़े हो जाएंगे बिल्कुल, जब कुछ और रेसलिंग छोड़ देंगे तो यू नो कुछ करेंगे, बिल्कुल, मतलब आप मतलब योग का सहारा लेंगे जब कुछ और नहीं ना कुछ कर पाएंगे, जब तक हम जिम कर पाएंगे, जब तक हम मतलब 150-200 की बेंच प्रेस लगा सकेंगे, तब तो मतलब जो की क्या जरूरत है, जब कुछ नहीं कर पाएंगे ना, बूढ़े हो जाएंगे तब तब करेंगे ना, बस जब डम्बल उठेगा नहीं, तो फिर क्या है? कुछ ना कुछ, जैसे बोलते ना कि कोई बंदा बोल रहा है ना कि मर रहा है, तो बोलेंगे यार तू यार हम जिएगा, तो उसको उसका सहारा होता है, ऐसा होता है ना, मतलब जब भी पता है ना कि अपन मतलब 100-100 किलो के तो डम्बल लगाने, जो क्या करेंगे, जो उस पर क्या करेंगे। तो खली जी अभी